जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय थार महोत्सव का आगाज सोमवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। गांधी चौक से रवाना हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर कार्यक्रम स्थल आदर्श स्टेडियम में पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड, रथ, सजे धजे ऊंट और घोड़े, गैरदल, सिर पर कलश लिए चल रही महिलाएं और युवतियां व BSF की कैमल सफारी खास आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा को जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाड़मेर में सोमवार को थार फेस्टिवल की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ की गई। बैंड, रथ, सजे धजे ऊंट, घोड़े, गैरदल, दुल्हन की तरह सजी महिलाएं, गणगौर और कलाकार के दल शोभा यात्रा के साथ में रहे। इस दौरान सैलानियों ने कैमरे में इन पलों को कैद किया। 9 साल बाद थार फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आज सुबह फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन किया गया। शोभा यात्रा गांधी चौक से निकाली गई। बैंड ने लोगों को आकर्षित किया। शोभा यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थानी लोक कलाकार शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा गांधी चौक से रवाना होकर अहिंसा सर्किल, किसान बोर्डिंग, ओवरब्रिज से होते हुए आदर्श स्टेडियम पहुंची। शोभा यात्रा को जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में जिला कलेक्टर लोकबंधु, SP दीपक भार्गव, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, जिला परिषद CEO मोहनदान रत्नू, ADM ओम प्रकाश बिश्नोई मौजूद रहे। शोभा यात्रा में BSF की कैमल सफारी आकर्षण का केंद्र रही। BSF के जवान सज धज कर ऊंट पर बैठकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। महिलाएं सिर पर कलश लेकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। वहीं शोभा यात्रा में ऊंट गाड़ी भी थी। ऊंट गाड़ी पर स्थानीय कलाकारों ने अपने गीतों से समा बांध दिया।